हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने जैसे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैंने ये अमेज़न से मंगाया है, पार्सल आया है, मेरा आज ही रिसीव हुआ है मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में शेयर करूं, और इसकी ओपनिंग मैं आप लोगों के ही साथ में करने वाली हूं। चलिए करते हैं इसको ओपन और देखते हैं कि अमेज़न से जो पार्सल रिसीव होते हैं वो सही सलामत होते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी देखे हैं कि सही सलामत रिसीव नहीं होते हैं। चलिए मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। देखिए मुझे तो काफ़ी अच्छे से अभी तक तो मुझे काफ़ी अच्छे से लग रहा है। अभी अंदर मैं देख के बताती हूँ आपको कि कैसा लगा, कैसा मेरा पार्सल रिसीव हुआ है मुझे। और आपको पता ही है कि मैंने इसमें क्या मंगाया है, आपने थंबनेल में देख ही लिया है। तो बस आप लोगों के साथ मैं ये रिव्यू शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ज़रूर से पसंद आएगा। वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए अभी तक तो मुझे बहुत अच्छे से लग रहा है और मेरा पार्सल काफ़ी मतलब कह सकते हैं काफ़ी सेफ्टी से मुझे रिसीव हुआ है। देख सकते हैं आप किस तरह की ये बबलिंग पिन्नी के अंदर ये मुझे रिसीव हुआ है। और देख सकते हैं इसके अंदर ना पार्सल बहुत अच्छे से रहता है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छे से रिसीव हुआ है। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अमेज़न को, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मेरा पार्सल रिसीव किया है। और अब आप देख सकते हैं ये मैंने मंगाई है मार्स की लिपस्टिक, और ये 4 शेड हैं इसके अंदर। ये लिपस्टिक पेंसिल के अंदर है और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे कलर हैं ये। और इनका मैं ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ मैं आज करने वाली हूँ। मार्स कंपनी की है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। तो मैंने नहीं यूज़ की है अभी तक, मैं आप लोगों के साथ में फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ, और मैं आपको इनके पैचेस वगैरह सब कुछ दिखाऊंगी। वीडियो में एंड तक बने रहना गाइस, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको भी ये ऑर्डर करनी है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप लोग इनको भी अच्छे से परचेज़ कर सकें। लेकिन पहले आप इसका ऑनेस्ट रिव्यू देख लीजिए, अगर आपको पसंद आए तभी आप इसको परचेज़ करना। और मैं आप लोगों के साथ में इसका फर्स्ट रिव्यू आज पहली बार आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अभी तक मैंने यूज़ नहीं की है, फ़र्स्ट टाइम इनको यूज़ करने वाली हूँ। तो आप देख ही सकते हैं कलर तो काफ़ी प्यारे हैं। चलिए एक एक करके आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। देखिए इनकी सबसे अच्छी बात ये है, जो लिपस्टिक अंदर है वही आपको बाहर से भी आपको वही मिलेगी, यानी कि इसका जो पैकिंग कलर है वो भी आपको वही मिलेगा। यानी कि आपको अलग अलग खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो लगाना है आप बाहर से देखकर उसको लगा सकते हैं। शेड नंबर है इसका 13। चलिए मैं आप लोगों के साथ में इसका पैचेस शेयर कर रही हूँ। तो ये अलग अलग आप ओकेशन पर आप इनको लगा सकती हैं। अगर आपको जैसे तो आप देख लीजिए मैं आपके बोर हो चुकी हैं, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि आपको 4 लिपस्टिक अलग अलग मिल जाएंगी। और गैस अगर इनकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको मिल जाएगी। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा मेरा ये पार्सल, और अफोर्डेबल प्राइस में है तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। और इसकी आप देख सकते हैं, ये नहीं है कि बहुत थोड़ी सी इसकी वो है, इसके अंदर लिपस्टिक इसके अंदर काफ़ी अच्छी सी क्वांटिटी में लिपस्टिक आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट कलर का रिव्यू मैंने आपको दे दिया है। अब ये मेरा सेकंड शेड है जिसका नंबर है 14, और इसका शेड भी आप देख सकते हैं, परचेज करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी मुझे कसम से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। मुझे तो देखो काफ़ी अच्छे लगे हैं अमेज़न से मुझे रिसीव हुए हैं। थर्ड नंबर में आप इसका निकाल रही हूँ जिसका शेड नंबर है 15। इसका कलर मैं बताऊँ ना गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, पिंकी सा कलर है बहुत ही ज़्यादा। और लगाने में भी ना ये इतनी सॉफ्ट है, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे ये लिपस्टिक अच्छी लगी। और देखो मुझे लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की हुई लिपस्टिक की, और इसलिए मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ लिपस्टिक मुझे कसम से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हैं। और उसके साथ में 4 नंबर की ये है जिसका नंबर है 16, और इसका शेड भी आप देख सकते हैं न्यूड कलर है एकदम, जो कि आपको लैक्मे की लिपस्टिक में आपको मिल जाता है आसानी से, लेकिन वो थोड़ी महंगी होती हैं। और अगर अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये वाला शेड चाहिए तो देखो आपको इनको परचेज़ कर सकते हैं आप आसानी से, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर बात करें इसकी शेल्फ लाइफ की, तो उसका फ़ोटो मैं आपको यहाँ पर साइड में दिखा दूँगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस जगह पर आपको फ़ोटो दिख जाएगा इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। तो आप देख सकते हैं मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी ये रेंज। तो आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये परचेज़ करनी है तो गाइस लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इसको मंगा सकते हैं। आपको काफ़ी सेल के दौरान आप इसको ख़रीदना तो आपको बहुत अच्छे से प्राइस में आपको ये मिल जाएगी। वैसे तो इसकी रेंज ऊपर नीचे होती रहती है, अब
ये देख लेना आपको किस प्राइस में मिले, लेकिन हाँ 300 के नीचे नीचे आपको ये लिपस्टिक परचेज़ हो जाएंगी। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, देखिए। और आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करना, और ये लिपस्टिक के जो पैचेज हैं ये बताना कि कैसे लगे। मुझे तो ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, और वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बता देना। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।